गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी सुबह का समय है और आज है संडे, तो आज सिंपल सा नाश्ता बनाऊंगी। ज़्यादा तामझाम नहीं करना है क्योंकि ऐसे भी छुट्टी का टाइम है, किसी को कहीं जाना नहीं है, तो हल्का फुल्का नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च और हरी धनिया डाल कट कर लिया है, और इसी में हल्दी नमक काली मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा दूध डाल दिया है, और 5 अंडे फोड़ दिए हैं इसमें, अच्छे से घोल लिया है, और अंडे का बैटर रेडी करके रख लिया है। और अब तवे बैठा दी हूँ, तो इसमें ऑयल लगा दिया है, और ये बटर में डुबो डुबो के, और बटर बोल रही हूँ, ब्रेड डुबो डुबो के और तवे पे सेक लेना है। और इसका जो प्याज व्याज है उसको फिर ऊपर से डाल रही हूँ। हाँ खास तो। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का वीडियो है और मैं शाम को वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उसी में आकांक्षा खास रही है, तो उसी को बोल रही हूँ कि खास तो, क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से ब्रेड को सेक लिया है, ये देखिए चारों तरफ से। और ये जो पहली वाली ब्रेड थी ये थोड़ा सा जल गया था, तो मैं उसे निकाल दी, उसका वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जला वाला सब कट कट करके फेंक दिया मैंने। तो ये दूसरा वाला डाला है, तो उसी का वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए चारों तरफ से सेक लिया है अच्छे से, तो ये बन के रेडी है। तो चलिए अब करते हैं प्लेटिंग और फिर खाते हैं आज का नाश्ता। तो ये रहे ब्रेड, और इसमें थोड़ा सा सॉस डाल देते हैं और चाय के साथ। तो सिंपल सा नाश्ता बन के रेडी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, फट से बन भी जाती है, और खाने में भी टेस्टी लगती है, और पेट भी भर जाता है। ये नहीं कि ब्रेड है तो पेट नहीं भरेगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल ममता सिंह ब्लॉग में। और अभी सुबह नहीं है, तो अभी दोपहर का 1 बज गया है, उल्टा दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, और यहाँ पर देखिए शाम को। और आज का मौसम एकदम सुबह से ही बारिश बारिश हो रही है, धूप तो निकली ही नहीं थोड़ा भी, और ऊपर से अंधेरा जैसा हो गया था सुबह में। तो सुबह का सारा काम तो हो गया है, और अब खाना बना रही हूँ। खाना में मैंने दाल चावल बनाया है और 2 चीज़ बनाया है, जो आपको दिखाऊंगी क्या बनाया है, आप लोग गेस करिएगा। तो दिखाती हूँ आपको टाइम कितना हुआ है। ये देखिए 1 बज रहा है और आज है संडे। संडे तो बस कहने को है कि संडे छुट्टी का दिन है, पर मुझे लगता है संडे के दिन में और काम बढ़ जाता है, शायद आप लोग का भी बढ़ता होगा। जितना काम रहता है ना, शायद सब लोग रख देते हैं संडे के लिए कि संडे में छुट्टी आराम से करेंगे, और उसी चक्कर में काम बहुत बढ़ जाता है ना। तो चलिए बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा हुआ है बाहर का मौसम। तो ये रहा बाहर का मौसम, अभी तो बारिश बंद हो गई है पर धूप नहीं निकली है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश आ रही है। सुबह से ही बारिश है, और सैनिक के है ट्यूशन, इसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 21 से, तो वो ट्यूशन गई है, संडे को भी गई है, जब तक एग्ज़ाम रहेगा संडे को भी होगा। और ये देख रहे हैं, देखिए कपड़े कहाँ सुखाई हो बारिश हो रही है लगातार, सुबह का टाइम ही जब धूप निकलती है तभी बारिश होती है, और सुखाने का वक्त ही नहीं मिलता है। और अभी देखिए शाम के समय में धूप निकलेगा, जैसे 3-4 बजे तक धूप निकलेगा, तो उस समय तक कपड़े कहाँ सूखेंगे, क्योंकि धूप ये साइड आ जाता है किचन के साइड में, और सुबह रहता है ये साइड बालकनी के साइड में, तो बालकनी में सुखा देती हूँ कपड़ा। तो अभी तो ये साइड निकलेगा, तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है कपड़े सुखाने के, तो ऐसे ही रहेंगे घर में ही सूखेंगे तो चलिए दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग गेस करिए ये क्या है, क्या बनाया है मैंने। तो इसको स्टीम करके बनाते हैं, ये पत्ते का है, इसमें बेसन लपेट के गेस किया क्या है बताइए तो ये हम लोग गिरवश बोलते हैं, कोई कोई इसे रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, जहाँ जो जैसे बनाते हैं वैसे वैसे नाम रख दिया है इसका। और इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, ये देखिए, और बताइए कि ये क्या है वैसे तो शिलोंग वाले सभी जानते होंगे ये क्या है, पर शिलोंग के बाहर के लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर यहीं में मिलता है नॉर्थ ईस्ट में, स्क्वैश कहा जाता है इसे। इसकी टेस्ट तो एकदम लौकी की तरह है, लौकी की तरह, पर है अजीब इसका शेप, ये देखिए। इसमें ज़्यादातर इसका ये छिलके और बीज ज़्यादा निकल जाता है, इसमें मटेरियल कम ही रहता है, तभी इतना से भी हमारा हो जाएगा आज का सब्जी। चलिए दिखाते हैं इसको पूरा छिल छाल के, कैसे छिलते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, तो इसका पूरा दिखाऊंगी वीडियो आज आपको। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये कट करने जा रही हूँ, उससे पहले इस थोड़ा सा कट करके इसको अच्छे से रगड़ दिया है, कि इसका जितना भी ये गम जैसा होता है वो सब निकल जाता है, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट काटने से हाथों में चिपक जाता है, जैसे फेविकोल चिपक जाता है, तो उसी तरह से इसका
रस जो है चिपक जाता है, उसके बाद सूखने से अजीब सा हाथों में हो जाता है, जैसे लगता है कि फेविकोल चिपका हुआ है और जल्दी छुटता भी नहीं है, बहुत टाइम लगता है छूटने में भी। तो इसलिए उस तरह से रगड़ के उसका सफ़ेद सफ़ेद जो भी निकलता है उसको कट करके फेंक देने से, और इस तरह से कट करके दो पीस में पानी में भिगो के रख देने से एकदम हाथों में लगती नहीं है, बहुत ही अच्छे से सब छिलने सकते हैं। तो इसको चारों तरफ से मैंने छिल लिया है और इसके बीच भी निकाल दिए हैं। तो फिर उसके बाद इसको कटिंग करना है और फिर छौंक देना है। तो पहले मुझे नहीं पता था कि इस तरह से करने से इस तरह हाथ में नहीं लगते हैं। पहले हम लोग इसको काटने से डरते थे क्योंकि हाथ ख़राब हो जाता था अजीब सा फेविकोल जैसा चिपक जाता था हाथों में और बहुत टाइम लगता था छूटने में, तो हम लोग नहीं कट करते थे। जब से मैं ऐसे करने लगी तो हाथों में नहीं चिपकता है। तो चलिए कट कर लिया है। अब इसमें तेल बहुत ही कम लगता है क्योंकि इसमें पानी बहुत निकलता है ये स्क्वैश की सब्ज़ी में। तो दो तीन हरी मिर्च डाल दिया है इसमें और जीरा तेज़पत्ता है, लाल मिर्च से छौंक दिया है। और यहाँ पर इसके रोज को मैं कट कर रही हूँ पीसेस में। तो तवा बैठा दिया, इसमें सरसों का तेल डाल दिया है, चारों तरफ से गिरवस रख दिया है और ऊपर से भी थोड़ा सा तेल डाल दिया है कि इसको पलटते समय में तेल की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो इस तरह से पलट पलट के अच्छे से सेक लेना है इसे। तो फ्रेंड्स खाना बन गया है, देखिए गिरवस बन गया है और यहाँ ऊपर से सब्जी बन गई है, थोड़ा सब हजे जाएंगे तो खाएंगे हमें, और ये पापा को भी भेजा दूँगी क्योंकि कल वो ही कपड़े लेकर आए थे, बड़े उनका फेवरेट है गिरवस, तो हरदम लेकर आते रहते हैं पता होता, और तो उनको चार छः पीस भेजा दूँगी खाएंगे, अभी खाने का टाइम हो ही गया है। तो सभी को बनाऊँगी लेकर जाने के लिए, इसे फटाफट से मैंने पहले इसे सेक दिया, बाद में सब्जी बनाया। तो ये देखिए स्क्वैश की फ्राई, क्योंकि फ्राई बनाते हैं इसे, बस हल्दी नमक और काली मिर्च डाल देना है और कुछ नहीं, और हरी मिर्च, और बहुत ही अच्छी लगती है इसकी ये सब्ज़ी मीठी मीठी। और ये रहा गिरवस, ये देखिए क्रंची, बहुत ही टेस्टी लगता है ये मसालेदार क्रंची। यही सच शायद है प्यार की हार, प्यार की हार। आजा हाँ? का? दाल भात और संडे है, आकांक्षा आई है, आई आई शांति आ गया है जो बच्चे मार रहे हैं। इसका डांस देख लीजिए, कौन सा डांस है, तांडव टीशर्ट उल्टा पहन ले, पापा पहने लाना सब बाबू, ज्यादा डिजाइन ज्यादा लिखल देख के आगे पहना, अब पीछे में देखना लिखल है ना क्या, देखा बाबू पीछे को अशन पीछे सिर्फ गला से बुझा था कि सीधा होगा। यस अरे फ्रेंड्स आकांक्षा को देखते ही चाय पीने का मन कर गया तभी चाय बना रही हूँ, क्योंकि अकेले तो पीने का मन नहीं करता है कोई आ जाने से, तभी देखिए चाय बना रही हूँ, चाय पियेंगे दोनों। खाना बन गया है, खाए के ईशान खाए के। तो फ्रेंड्स खाना वाना खा लिए हैं और किचन में बर्तन वर्तन धो लिया है और अब मैं जा रही हूँ कुछ बनाने की तैयारी करने। तो उसके लिए सब चीज़ रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैदा छान लिया है और ये चावल का आटा है जो मैं पीस के रखी थी बहुत पहले, तो उसको भी छान लिया है और ये थोड़ी सी सूजी डाल दिया है, तो ये तीन चीज़ और ये एक घी एक चम्मच पूरा डाल के अच्छे से फेंट लेना है इसे, और घी को अच्छे से चारों तरफ से मोम दे देना है और थोड़ा सा चीनी, जितना बेटर है उतना चीनी डाल देना है। तो बस इसे अच्छे से घोल लेना है और घोल के रेस्ट के लिए छोड़ देना है दो तीन घंटे तक कि अच्छे से फूल जाइए, क्योंकि सूजी है इसमें चावल का आटा है तो उसे फूलने में टाइम लगेगा। ऐसे करता देख
हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, अभी रेस्ट कर रहे हैं। खाना तो आज सिंपल और गिरवस तो थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा ना, कम था पूरा गला कट रहा था। कितना नींबू निचोड़े तब भी उतना नहीं लगा, टेस्टी पता ही अच्छा नहीं था, क्योंकि पता बिना मुंह काटने वाला होता है तो अच्छा लगता है। इसी में तो हम लोग तो चार पांच खा लेते थे एक साथ, टेस्टी होता है बहुत गिरवस, इसका पता ही अच्छा नहीं। तो रेस्ट करेंगे और ये वीडियो का मैं यही पेंट करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, वो जो घोल मैंने रेडी किया है वो, क्योंकि टाइम लगेगा उसे बनाने में और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो उसे मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में डालूँ। तो वो क्या बनाऊँगी मैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगी, तो देखिएगा अगले वीडियो में।